नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर पहुँच ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जनपद सहित प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि व दशहरा की दी शुभकामना। सभी के सुख समृद्धि की कामना। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विजयदशमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर वाहन चोरों अनुराग निषाद और दीपू निषाद को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का चार मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया निरीक्षण। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से महानगर के नागरिकों को यातायात नियम का पालन करने का दिया संदेश। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की रूट का जिलाधिकारी कृष्णा करूर ने व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरे अमले के साथ किया निरीक्षण। कहा, शोभा यात्रा एवं जुलूस तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। साहबगंज से प्रतिबंधित प्लास्टिक का गांठ लेकर खलीलाबाद ले जा रहे युवक से 42 किलो अवैध पॉलीथीन को राप्ती नदी के पुल पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने किया जब्त। 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, रविवार को जनपद के दो धार्मिक स्थल बुढ़िया माता मंदिर व तरकुलही माता मंदिर पर चलाया जाएगा सफाई अभियान। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने महिवा स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। कान्हा उपवन की व्यवस्था को बताया उत्तम। कहा, कान्हा उपवन के कम्पोस्ट खाद तथा गोबर गैस प्लांट की तरह योजना को पूरे प्रदेश में करेंगे लागू। नवरात्रि के छठवें दिन गोरखनाथ मंदिर में मां कात्यायनी की गई पूजा आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद किया गया प्रसाद का वितरण। एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए.एन. कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन पूरे जनपद में घूमकर संचारी रोगों के प्रति लोगों को करेगा जागरूक। और भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डाक विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा पूर्वक किया ब्लड डोनेट। कहा, लोगों की सेवा के लिए डाक विभाग हमेशा रहा है तत्पर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गोरखनाथ परिसर का भ्रमण किया तथा मंदिर में ही स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। Thank you.
ओम सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भवे व्यस्ताय नमो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जनपद सहित प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि व दशहरा पर्व की शुभकामना दी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि शारदीय नवरात्रि हिंदू का पवित्र पर्व है, जिसमें सभी लोग 9 दिन व्रत रहकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश के सभी लोगों के दुख व कष्टों को दूर करें तथा सभी लोगों के घर में सुख व समृद्धि लाएं। सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि व दशहरा पर्व की शुभकामना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, गोरखपुर जनपद वासियों को नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने एनेक्सी भवन के सभागार में जनपद में चल रही विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यों का सत्यापन नियमित रूप से होना चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को भी निर्देश दिया कि जनपद की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त बनाया जाए ताकि आम जनमानस का आवागमन सुगम हो। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत संचालित पाइप पेयजल योजना, ओवरहेड टैंक, सोलर आदि कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण किए जाए। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर कार्य को धरातल पर लाया जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्था सड़क की खुदाई करेगी, वही उस सड़क की मरम्मत कराकर रोड को उसी रूप में लाएगी। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्लॉकवार शिविर लगाकर सभी पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करें। जनपद में कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित नहीं होने चाहिए और सभी के आधार फीडिंग का कार्य तेजी से कराया जाए तथा जिले को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ कार्य किए जाए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य 100% पूर्ण कर जनपद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करें। इसके तहत 20,16,187 गोल्डन कार्ड बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 5,00,000 बनाया। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि कार्य में गतिशीलता एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की जाए तथा नियमित रूप से कार्य की मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना हो सके। इस अवसर पर चिल्लू पार विधायक राजेश त्रिपाठी, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक श्री राम चौहान, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, CDO संजय कुमार मीना, GDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, और उसके बाद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सर, वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस है सीधे सर? अभी जब लाइव सिंह उसमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया तो सर, हाँ हर तहसील में जी सारे लेखपाल पर 100 सीधे साहब के उससे जो है हर कंप्यूटर ऑपरेटर पूरे 7 बस्ती में हमारे कितना काम कर रहे हैं। हमारा काम थोड़ा सा बचा है सर, जो किसान कुछ मृतक है वो निकल रहे हैं, 74% हम लोग अटल हो गया है और पैसे पहुँच पाएंगे। खाद की क्या प्रश्न है? और खाद सर खरीद में हमारा टारगेट से ज़्यादा उपलब्धता थी तो आगे को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। ओपी बता दीजिए जरा, ओपी ओपी नमस्ते सर। नमस्कार। जो भी जनपद को सर लक्ष्य प्राप्त हुआ है इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लिया है सर, लगभग 60% सेंक्शन सर, डिसबर्समेंट थोड़ी कम है क्योंकि सर ट्रेनिंग इसमें जो रिक्वायरमेंट है बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर जैसी सर आए
ट्रेनिंग इसमें सर 6 दिन की होती है, 6 दिवसीय। और आपने कितने लोग हैं हमारे पास यूनिट के लिए? इसमें सर जो हम लोग ने क्लस्टर जो यहाँ डेवलप हो रहा है सर, MSCCDD क्लस्टर सर, इसमें 25-25 लोग हैं वहाँ पर सर। दो में 25-25 सर, मतलब 50 व्यक्ति हमारे से आच्छादित हो जाएगी सर। सर सर अब देखो टेलीकोटा हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा ये है कि टेलीकोटा बहुत पूरी दुनिया में पहुँचा है सर। तो आपने कोई यहाँ पर ओडियो की सेंटर बनाया है? सर यहाँ ओडियो की में सर हम लोग को चाहिए, उसमें एक एयर कोटा और एक रेडीमेड गार्मेंट की शॉप लगी जा रही है सर। पूरा कर लिया गया है और धनराशि पूरी 100% यूज कर ली गई है। पिछले वर्ष की ना? जी सर, आज देखिए विभिन्न विभागों की समीक्षा हुई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में भी जो जो बिंदु माननीय मंत्री और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने उठाए उन सबका जवाब दिया और उससे वो संतुष्ट नजर आए। बेसिकली आयुष्मान कार्ड पर, टीकाकरण पर, औषधियों की उपलब्धता पर, चिकित्सकों की उपलब्धता तथा टेलीमेडिसिन पर हुई थी। गोरखपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चतुर्मुखी विकास हो रहा है और सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में आगामी विजयदशमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगामी विजयदशमी पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। सभी अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था एवं मार्ग व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई है। पूरे शहर को सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर शोभा यात्रा के निकलने वाले मार्गों का जायजा लेंगे तथा शोभा यात्रा के समय श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे। विजयदशमी के दिन काफी भीड़ भाड़ होती है, सभी भीड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो वह तत्काल डायल 112 पर सूचना दे सकता है, उसकी सहायता तुरंत की जाएगी। इस अवसर पर SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, CEO मंदिर सुरक्षा अजय सिंह, CEO कैन श्याम देव बिंद, CEO कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, CEO चौरी चौरा अंजनी कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद गोरखपुर में 2 या 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जहां पर वो स्वयं उपस्थित रह करके उन आयोजनों में कुछ सम्मिलित होते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं। उनमें से विजयदशमी का जो शोभा यात्रा है ये उन आयोजनों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक ओपन व्हीकल पर सवार होकर के देखिए 4 तारीख को जो विजयदशमी का शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पर होना है, उस संबंध में सभी जो व्यवस्था में लगे हुए हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग की गई है। इस पूरी व्यवस्था को सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। प्रभारियों के साथ जो जो फोर्स लगाया गया है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। कार्यक्रम किस तरह से आयोजित होगा उसके बारे में ब्रीफ किया गया है। ड्यूटी किस प्रकार से की जाएगी, कब से की जाएगी, समय सारणी वगैरह सब उनसे डिस्कस किया गया है। किस तरह से उनको अपना कंडक्ट रखना है प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ, जो पब्लिक उस समय पर उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होती है या दर्शनार्थी के रूप में देखती है उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, सुरक्षा के जो मानक हैं उनकी पूर्ति करते हुए कैसे VIP की सुरक्षा और साथ ही साथ पब्लिक की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है, सभी पर डिस्कशन हुआ है। अभी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तो मौके पर जाकर अपने सेक्टर और जोन को फिजिकली जाकर के देख लें, जो फोर्स उनके साथ लगा उसकी जानकारी कर लें और जो भी कोई आवश्यकता हो हमको बताएं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि एक अच्छे सुरक्षा के
घेरे में ये पूरा आयोजन जो है वो 4 तारीख को संपन्न है। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनुराग निषाद पुत्र राम प्रताप निषाद निवासी पिपरा थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर, दूसरा दीपू निषाद पुत्र वकील निषाद निवासी जंगल चवरी केवटान चोला थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि उनके पास बरामद मोटरसाइकिल को 15 सितंबर को शाम के समय यशोधरा कुंज थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर से चुराया था। अभियुक्त दीपू निषाद ने बताया कि इसके अलावा और 2 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी हम दोनों ने मिलकर चुराया है, जो कि मेरे घर पर है, जिसमें से 1 मोटरसाइकिल ग्राम रजही खाले टोला से चुराया था। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह, रामजी गुप्ता, स्वाद टीम प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल बलवीर सिंह, अनिल गुप्ता, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, इंद्रेश वर्मा, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज खोराबाड़ पुलिस द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें उन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। उनके पास से 3 सुपर स्प्लेंडर एवं 1 जुपिटर स्कूटी बरामद की है। ये लोग कल मोतीराम अड्डे की तरफ से आ रहे थे, इसमें बिना नंबर की गाड़ी चेकिंग के दौरान चेक की गई तो वो लोग भागने लगे, उसको फिर पीछा करके रोके पर उसके बाद में उनसे कागजात पूछने पर वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए एवं उसकी एक गाड़ी सीज की और सघन पूछताछ के बाद में उन्होंने बताया कि वो इस तरीके से एक मॉडस ऑपरेंडी है उनका और अन्य भी मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उन्होंने 3 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद करवाई जो उनके द्वारा चोरी की गई थी। दीपू निषाद एवं अनुराग निषाद, इनमें दीपू निषाद है, उसके खिलाफ 3 अन्य थाने कैंट, रामगढ़ताल एवं खोराबाड़ में मुकदमे पहले से दर्ज हैं और इसका साथ ही उसके ऊपर भी 2 मुकदमे भी दर्ज हैं चोरी के। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि गोरखपुर महानगर में ट्रैफिक कंट्रोल रूम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। गोरखपुर बेहतर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतर कार्य सभी विभागों ने किया है। सिस्टम में कुछ सुधार करने के लिए सुझाव दिया गया है, जहाँ पर कैमरा नहीं है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं तथा कुछ जगहों पर सड़क पर ट्रांसफार्मर लगा है उसको वहां से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करने के लिए भी कहा गया है, जिससे कि सड़क पर जाम ना लग सके। इसके अलावा सभी नागरिकों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से संदेश दिया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करें। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, सर एक 4 चौराहे हैं जो कि ITMS से कवर्ड हैं, उनमें हमारे स्मार्ट सिटी कैमरे कितने लगे? टोटल सर 155 कैमरे लगे हैं। अच्छा, तो अलग तरह के कैमरे हैं। कितनी गाड़ियां हमारी सड़क पे हैं सभी चौराहों से कुछ काउंट करते हैं?
में इवनिंग में ज्यादा रहता है। इसका आंकड़ा बनाए सर, आंकड़ा गोरखपुर में हमारे पास इतने व्हीकल सड़क पर रहते हैं एवरेज, तो हमें यानी किसी ट्रैफिक को करना है। और ट्रैफिक के साथ साथ अब तो सिविल पुलिस की भी जो जैसे ऑटोमेटिक जो चालान होते हैं, सरकार का उद्देश्य हमें लोगों को चालान करना नहीं, इसका तरीका यह है कि हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यस सर, ट्रैफिक पुलिस के जो नीति नियंता हैं वो सभी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के बच्चों में जैसे सेंस हमें लोगों के अंदर डेवलप करना होगा। और ये हम कर सकते हैं कि गोरखपुर पूरे प्रदेश का एक हब है पूर्वांचल का। गोरखपुर के साथ साथ हमें बिहार का भी लोड घेरना पड़ता है। बिहार हमारा बॉर्डर स्टेट है और वहाँ के पढ़ाई के लिए ढेर सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास और अधिक गाड़ियों का लोड है बाहर की गाड़ी। ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि गोरखपुर को एक स्मार्ट सिटी वास्तव में जो है उसके धरातल को उतार दें। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा यही है कि बेहतर काम हो। सर, मौके चौराहे पर इमरजेंसी कंट्रोल बटन लगा है, उससे हमारा कितने कितने ऐसे स्पीकर से टू वे सिस्टम के इक्कीस जंक्शन हमारे लगे हैं। यस सर, और वहाँ पर हमारे पास मैन पावर भी है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। यस सर, बस लगा होगा सर, स्विच लोकल भी लगा हुआ है सेंट्रल कंट्रोल करने के अलावा। और जैसे सर हम एम्बुलेंस पास कराते हैं ग्रीन कॉरिडोर टाइम सर हम लोगों ने काफी घटा लिया है सर बचने का। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जो हमारा एम्बुलेंस का रिस्पांस सिस्टम था वो 30 मिनट था रूरल एरिया के लिए जी, और 20 मिनट था शहरी अर्बन के लिए। अब इसको घटा के हमने 10 मिनट में यहाँ से पहुँचा देते हैं। हमने तय किया है कि हम पूरे स्टेट में रिस्पांस सिस्टम हमने ठीक किया है सर। अब हमने समय सीमा घटा दी है, पहले आधा घंटा थी 20 मिनट था, अब इसको 15 मिनट कर दिया दोनों स्थिति में, तो इसमें ट्रैफिक की भी तो मदद दी है। सर्वाधिक लोड कहाँ पर? सर्वाधिक लोड सर मॉर्निंग के टाइम पे हमारा रहता है शाम संग पर और पहले घंटे पे लोड रहता है। ये उर्दू बाजार वाले मोड़ की क्या पोजीशन है? मैं अंदर चला जाता है, उधर हमारा ट्रैफिक सिस्टम नहीं है अंदर, तो वहाँ वहाँ ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने क्या किया है वहाँ के पास, तो वो भी पुलिस के लिए डिप्लॉय किया है, इसके बिजली वाले से रिक्वेस्ट करके उसको दूर करा देंगे। है क्या कि जो उर्दू बाजार है ना वो बहुत दिनों से, अब वहाँ गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान छोटे छोटे बहुत हैं वहाँ और सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए कुछ हमें अलग से प्लान करना। ठीक है सर, थोड़ा है जैसे कहीं खुला पा हुआ है, मंदिर जाना था, क्या रास्ता बताएंगे यहाँ से कहाँ जाना? शास्त्री चौक पे हैं, बताओ रास्ता भैया। सर आप सबसे पहले आप चले जाइए धर्मशाला पे गोरखनाथ मंदिर के लिए। कितना डिस्टेंस होगा सर? मेरा वो बीच में करिए, 6-7 किलोमीटर लगभग। आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? शास्त्री चौक से सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लीजिए। ओके सर, गर्वद अनुरोध करता हूं कि हम सब ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर को ट्रैफिक के अनुपालन में नंबर एक पर ले जाने के लिए काम करें। मैं ऐसा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में काम कर रही सरकार में ब्रजेश पाठक हूं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का, और आप सबने बहुत ही कम समय में मात्र 5.5-6 साल के अंतराल पर गोरखपुर में बहुत डेवलपमेंट के आयाम तय किए हैं। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पूरे प्रदेश को एक नई रूपरेखा के रूप में डेवलपमेंट के मोर्चे पर और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने खड़ा किया है। मैं ऐसे अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, गोरखपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, आम जनमानस का, पत्रकार मित्रों का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। सर थोड़ा हम लोगों को जाने दीजिए, बाहर आ जाए। आज गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम का अभी हमने निरीक्षण किया है, बहुत बेहतर ढंग से गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर संयोजन सभी विभागों से हुआ है, ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर किए जाने के कुछ सुझाव हमने दिए हैं,
जैसे उर्दू बाज़ार के पास वहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, वहाँ मैन पावर बढ़ाए जाने के साथ एक ट्रांसफार्मर सड़क पर लगा है, उसको हटा करके अन्य स्थान पर लगा करके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, गोरखपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इसकी समीक्षा करते रहते हैं और गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम हो रहा है। मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से गोरखपुर के सभी लोगों को संदेश दिया है, बात किया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गोरखपुर को और सुंदर बेहतर बनाएं। देखिए, हमने पूरे प्रदेश में जो हमारी एम्बुलेंसेज है, जो रोगी वाहन हैं, उनके रिस्पांस टाइम को कम किया है। पहले रूरल एरिया में ये 20 आधा घंटा था और शहरी एरिया में 20 मिनट था, इसको घटा करके हमने 15 मिनट कर दिया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला है। हमने पहले वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को देखा, CSC को देखा, फिर उसके बाद हमने वृक्षारोपण भी किया है। इसके अलावा हाँ, हमने जन चौपाल भी लगाई है और एक विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। और जो केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएँ हैं और प्रदेश की जो आदरणीय योगी जी की योजना जन जन तक पहुँचे, उसके लिए लगातार हम निरीक्षण कर रहे हैं और जन जन से बात करके चौपाल लगा करके 100% आच्छादन के लिए कह रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर पहुंच ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जनपद सहित प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि व दशहरा की दी शुभकामना। सभी के सुख समृद्धि की कामना। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विजयदशमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर वाहन चोरों अनुराग निषाद और दीपू निषाद को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया निरीक्षण। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से महानगर के नागरिकों को यातायात नियम का पालन करने का दिया संदेश। गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की रूट का जिलाधिकारी कृष्णा करूर ने व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरे अमले के साथ किया निरीक्षण। कहा, शोभा यात्रा एवं जुलूस तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। साहबगंज से प्रतिबंधित प्लास्टिक का गांठ लेकर खलीलाबाद ले जा रहे युवक से 42 किलो अवैध पॉलीथीन को राप्ती नदी के पुल पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने किया जब्त। 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, रविवार को जनपद के 2 धार्मिक स्थल बुढ़िया माता मंदिर व तरकुलही माता मंदिर पर चलाया जाएगा सफाई अभियान। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने महिवा स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। कान्हा उपवन की व्यवस्था को बताया उत्तम। कहा, कान्हा उपवन के कम्पोस्ट खाद तथा गोबर गैस प्लांट की तरह योजना को पूरे प्रदेश में करेंगे लागू। नवरात्रि के 6वें दिन गोरखनाथ मंदिर में मां कात्यायनी की गई पूजा आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद किया गया प्रसाद का वितरण। एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को एडिशनल CMO डॉक्टर AN कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन पूरे जनपद में घूमकर संचारी रोगों के प्रति लोगों को करेगा जागरूक। और
भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डाक विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा पूर्वक किया ब्लड डोनेट। कहा, लोगों की सेवा के लिए डाक विभाग हमेशा रहा है तत्पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, मूर्ति विसर्जन एवं गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गोरखनाथ कुंड, रामलीला मैदान एवं संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा एवं जुलूस तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु तैयारियों का जायजा लिया गया है एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, अगर उनको उस तरफ से जाना है। देखिए, 4 तारीख को जो विजयदशमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा इस क्षेत्र में जिसका आयोजन होना है, उसकी सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज हमारे और DM साहब द्वारा और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ स्थलीय भ्रमण और रूट मार्च किया जा रहा है। विशेष रूप से उस दिन आयोजन को कैसे सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में जो आसपास की जो पब्लिक है, जनता है, उनको सुगमता के साथ और सुरक्षा के साथ कैसे पूरा आयोजन संपन्न हो और क्या क्या तैयारियां आने वाले दिनों में होनी है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांट करके अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस क्षेत्र की पूरी सफाई का, लाइटिंग का और बाकी जो व्यवस्थाएँ होनी है, CCTV कैमरा के माध्यम से जो निगरानी की जानी है, ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जा रही है, सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये पूरा आयोजन जो है वो सकुशल तरीके से संपन्न हो। देखिए, ये यात्रा जो है वो गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर के और इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यहाँ पर वापस यात्रा आती है। ये भी यात्रा का जो हमारा रूट है उसको पैदल चल के देखा जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जो है वो जोन और सेक्टर में बांटा गया है, उसके प्रभारी एडिशनल SP, CEOs और इंस्पेक्टर्स को बनाया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने क्षेत्र में वो सुरक्षा करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे जनपद के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है और जो हमें अन्य जो पुलिस बल रहते हैं वो जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनकी ड्यूटी भी पूरे क्षेत्र में लगाई। देखिए, आज विशेष रूप से जो यात्रा का रूट है उसी का रूट मार्च जो है वो किया जा रहा है। नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में प्लास्टिक चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि प्रवर्तन दल की टीम लगातार अवैध प्लास्टिक पर अभियान चलाकर कार्रवाई करती आ रही है। शनिवार को थाना राजघाट क्षेत्र के अंतर्गत राप्ती नदी के पुल पर मोहम्मद नफीस नाम का एक युवक साहबगंज से प्लास्टिक का गांठ लेकर खलीलाबाद जा रहा था। प्रवर्तन दल की टीम को सूचना मिलने पर उसे धर दबोचा और निकटतम नगर चौकी पर लाकर 5,000 रुपए का चालान काटा, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया कि नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जब से टीम गठित की गई है लगातार कहीं ना कहीं छापेमारी करते रहते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि आप लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, इससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती पुल पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद नफीस नाम का एक युवक साहबगंज से खलीलाबाद 42 किलो पॉलिथीन का गांठ लेकर जा रहा था। पॉलिथीन की कीमत करीब 10,000 से 12,000 की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा,
नाम देना, पूरा पता देना और उस पर लिख देना 42 kg, 42 kg है ना, लिख दें। समस्या नगर पुल और वो जहाँ पे पकड़े वो स्थान राप्ती नगर पुल, ठीक है। परमानेंट पता, परमानेंट पता हम लोग लिखते नहीं, बस खत्म बात। इनका मोबाइल नंबर नोट कर लो, बस साइन ले लो, चलो निकालो। 5000 जो बोल दिया हमने तुम्हें, बहुत कम में छोड़ दिया सिर्फ बैन की वजह से। जो जमा किया इनका साइन लेना, और इनके साइन लेना क्या बोल लेना मोबाइल नंबर। पांडे एक आदमी फोटो खींच लो, पांडे का फोटो खींच लो, रफीक की, और इनको सही सलामत छोड़ दो, जाए अपने घर। मोहम्मद नफीस, लेके आए थे सर हम साहबगंज मंडी से, लेके जा रहे थे अतरौलिया संत कबीर नगर। शॉप नहीं है, सप्लाई नहीं है सर। हम अपने बहन के वहाँ आए थे, बीमार थी, उसको देखने के लिए आए थे, तो साथ में ले गए, किराने की छोटी सी दुकान है उसी के लिए ले जा रहे थे। हाँ किराने की दुकान है उसी के लिए ले जा रहे थे। अब आगे ऐसा काम नहीं करेंगे, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, माल पन्नी की नहीं यूज करेंगे, झोला यूज करेंगे। एक्चुअली आज हमारी टीम थी, जैसा कि आपको पता है कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ हमारा नगर निगम गोरखपुर ने बिल्कुल व्यापक अभियान चला के रखा हुआ है। जब से हमारी टीम का गठन हुआ है आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं छापेमारी करते हैं और पब्लिक को जागरूक करते हैं, और अभी माननीय प्रधानमंत्री का जो आदेश आया 1 जुलाई से कि पूरी तरह से प्रतिबंधित पॉलिथीन जो सिंगल यूज पॉलिथीन बैन है, पहले 50 माइक्रोन, 75 माइक्रोन खत्म होगा, 100 माइक्रोन तक बिल्कुल बैन है, मतलब इसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। नया प्रावधान इसमें आया है 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की कैद, ये भी एक नया प्रावधान है। पर लोग बाज नहीं आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं कि तरह तरह की वो चीज़ें बताते हैं, या तो मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, माँ की तबीयत ख़राब है, तमाम एक्सक्यूज़ बताते हैं और बोलते हैं हम तो सर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक सज्जन को आज हम लोगों ने स्पॉट किया था यहाँ पे राप्ती नगर पुल पे, इनका नाम है जिशान, इनका नाम है नफीस, क्या है आपका, मोहम्मद नफीस, और ये खलीलाबाद के रहने वाले हैं, अतरौलिया कोई जगह है वहाँ के रहने वाले हैं। 42 kg प्रतिबंधित पॉलीथीन ये लेके जा रहे थे, तो हमारी टीम जो कि भ्रमण पे थी उसने उसको स्पॉट किया, स्पॉट करके अभी हम ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी भी लेके आए हैं। इनका हम जो अपने हमने RI को बुला लिया अपना, अभी इसका चलान करेंगे, इनको रसीद थमाएंगे। इनको मैंने 5000 रुपये का चलान लगाया है, वो हमने इसे बोला कि आप पैसे लाइए, जमा करिए, रसीद लिए जाइए, और दोबारा ये कृत नहीं करेंगे। अब ये एक बता, जैसे ये इनका कथन है, उनसे भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, कोई जिशान खान के नाम का आदमी है जो खूनीपुर में है, उनके यहाँ से लेके आए हैं। हमने बोला ये पहली बार, बोलते हैं नहीं सर इससे पहले भी मैं लेके गया हूँ, बट इनको हमें पता नहीं कि ये बैन है कि नहीं बैन है, और ये ले जा रहे थे खलीलाबाद उतरौलिया। अब इनसे आप बयान लीजिए ये कहाँ से ले आए, वो आपको सत्य बताएंगे। अब इनका हम चलान करेंगे, इसके बाद इनको हम ये सामान जब्त करेंगे, नगर निगम स्टोर में चला जाएगा। और ये करीब इसका होगा 6000, जैसा ये बोल रहे हैं कि करीब 6000 इसका मूल है, 200 रुपये किलो पॉलीथीन बिकती है, तो अभी जैसा ये हम देख रहे हैं 42 किलो है, तो 42 किलो जो उसके हिसाब से ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसका मूल बनेगा 8 से 10 हज़ार, पर ये बोल रहे हैं कि हम 6000 रुपये में करीब हम लेके आए हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान महानगर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जमनालाल बजाज पार्क में पौधरोपण किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत प्रतिदिन कार्यक्रम चला रही है, जिसको देखते हुए पूरे देश भर में भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर पौधा लगाने का अभियान चला रहे हैं। रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा का समापन होगा। रविवार को खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा और जनपद के 2 मंदिरों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष, जितेन चौधरी, जीतू रणविजय शाही, डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे, अनूप किशोर अग्रवाल, भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, महामंत्री हर्ष श्रीवास्तव, करमवीर सिंह, आशीष ओझा, आकाश श्रीवास्तव, अभिनव एबट, अमित नारायण, राहुल गिरी, राहुल राणा, अभिषेक श्रीवास्तव, कारण डिक्सन,
विजय यादव, राहुल चौरसिया, अवनीश चौधरी, प्रदीप निषाद, आकाश शर्मा, सौरभ दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बस ठीक भैया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के कल 2 अक्टूबर तक पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि प्रतिदिन हम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, और इसलिए पहले दिन से ब्लड डोनेशन के कैंप से लेकर के रोज कोई न कोई सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मिनिमम 2 वृक्ष जरूर लगाने का अभियान चलाए हैं, और उसके तहत आज गोरखपुर महानगर के अंतर्गत इस जमनालाल बजाज पार्क में हम लोग इकट्ठे होकर के हम लोगों ने भी यहाँ वृक्षारोपण किया है। कल इस अभियान का सेवा पखवाड़ा का समापन है। कल महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम भी करेंगे, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने का भी काम करेंगे, और गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो नवरात्रि के पावन पर्व पर 2 पवित्र पावन स्थल हैं, जो माँ तरकुलहा देवी, जहाँ जिले के लोग जाकर के प्लास्टिक मुक्त मंदिर का एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे, और बुढ़िया माई के स्थान पर महानगर के कार्यकर्ता जाकर के प्लास्टिक मुक्त मंदिर का अभियान, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण से लेकर के सेवा के क्षेत्रों में काम कर रही है। आज गोरखपुर महानगर के हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर व अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को महेवा स्थित कान्हा उपवन का निरीक्षण किया तथा गायों को गुड़, केला, चना खिलाकर आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कान्हा उपवन में जो काम हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है। यहां पर कंपोस्ट खाद बनाने तथा गोबर गैस प्लांट अच्छा चल रहा है। इस प्रकार की योजना को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कान्हा उपवन में गायों और नंदी देवताओं को ठीक से रखा गया है। और वहीं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कान्हा उपवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नंदी को उन्होंने चना, गुड़, केला खिलाया और कान्हा उपवन की व्यवस्था को उन्होंने उत्तम बताया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पूछ के बताओ, पूछ के फोन कर रहे हैं। आगे चलो भाई, हटाते चलो। ये हम लोग का संपवेल बना रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? संपवेल सर, पूरा पानी यहाँ कलेक्ट करते हैं, इसको बाहर लाने में। अच्छा, ये मतलब जो पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है सर, ये वाटर लैगिंग एरिया है ना, पूरा लोलैंड है। लोलैंड, इसको आपने ये मतलब थोड़ा नीचे बनाया होगा? हाँ सर, थोड़ा सा नीचे सर, थोड़ा नीचे बना के बड़े बड़े पंप लगवा के हम पूरे पानी को तुरंत सक कर लेंगे, फिर इसमें पंप लगाएंगे। पंप लगा और कोई तरीका नहीं, लैंडफिल से जाता नहीं, लैंडफिलिंग से नहीं जाता किनारे आ जाओ, किनारे क्या है कि सड़क के ऊपर पूरा पानी इधर से जी आदि जितना था पहले, सर आज के 30 साल पहले से सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। यही अभी हमने जो 3 सीट देखे हैं सर, वो हमारा वर्मी कंप्लीट है, कितने दिन चलाते हैं सर? कहाँ गए भाई?
पांडे जी आगे आइए। कितने दिन सड़ाते हैं यहाँ पर? बस तीन महीने बाद। अंकल बात करो फिर। हमारा पावर गन मीटर पर सर 45 रुपये गन मीटर बिक जाता है। और वर्मी कम्पोस्ट अलग का जो पैकेट वो अलग जाता होगा, ये गमले वाले घर प्लान के लिए लोग ले जाए। पहले से चालू कराओ ये 10 KVA का है। तो आप अगर मान लीजिए बायोगैस नहीं है तो फिर डीजल का टैंक होगा इसमें? नहीं सर, डीजल नहीं है, हम इसको एलपीजी से चलाते हैं। एलपीजी का है? तो एलपीजी का कनेक्शन कहाँ पर किया आपने? सर ये यहाँ पे लगाया जहाँ पे नोजल जहाँ फायर होता है। हाँ हाँ सर, ये पूरा आपका पिस्टन इसी से एक्सपेंड होगा और फिर दोबारा वापस आएगा, फिर एक्सपेंड होगा उसी गैस के थ्रू। वही सर वही कह रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब पंप पे लगाया ना हेड पे, हेड पे जहाँ से माजी लगता है सर, जहाँ नोजल लगता है वही लगाया सर। डीजल का विकल्प नहीं है गैस का? नहीं सर। तो ये किट ही आपने एलपीजी वाली किट लगा ली है? जैसे हमारी जो गाड़ियाँ आती है स्टार्ट भी इसी से हो जाता है? इसी से। अच्छा, और ये कितना गैस बना लेते हैं सर? हम लोग का जो गैस है सर, अब उसको नापा तो नहीं है, लेकिन नहीं, मीटर की जैसे हमारी कितने घंटा जनरेटर चलेगा? अब मैं सर इसको 4 घंटे लगातार चला सकता हूँ सर उसमें। एक चारा वाला बनाया होगा, एक जो है सफाई वाला, दो तरीके से करते होंगे ना पंडित जी? एक का चारा दे दिया है, एक का चारा दे दिया सर। उन्होंने धरी थे और आराम से कर देते रखन का आराम से कर देते। गुरु वाला किधर गया? अच्छा किया भर लिया, लेकिन सबके पास जगह नहीं है पर? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट हमारे तो दिया। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ये अच्छा, जो जो कॉन्ट्रैक्टर मतलब रेट एग्रीमेंट इसको हम लोग सर बाहर भी भेजने के लिए सर एक सर हम सर सर ऑन करिए, ऑन करो भाई। आगे नहीं, 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 नहीं।
आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी का कानपुर के जो ये कान्हा गौशाला है गोरखपुर की, वहाँ पर आकर उन्होंने इसका निरीक्षण किया। वो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो हमारे नंदी हैं उनकी बाड़े को पूरा घूम कर देखा। नंदी को उन्होंने चना गुड़ केला आदि खिलाया। उसके पश्चात उन्होंने जो हमारा गोबर गैस प्लांट है उसको बहुत, उसकी जितनी भी मतलब कह ली मैकेनिज्म है उसको बहुत डिटेल में जाकर काफ़ी समय देते हुए उसको अच्छी तरह समझा। उसके बाद उन्होंने जो हमारी गौवंश की माताएं हैं उनके बाड़े में गए, वहां पर जाकर पूरा निरीक्षण किया। और तत्पश्चात वो जो हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है प्लस जो हमारे यहाँ गौवंश का जो गोबर हो रहा है उसकी जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं और जो संजीवनी के नाम से हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने जाना समझा। और उन्होंने सब मिलाकर जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बहुत ही उत्तम कोटि की बताया। इसके पूर्व जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी नगर निगम के जो नवीन कार्यालय भवन है उसमें जाकर उन्होंने ITMS और जो हमारा इंटीग्रेटेड म्यूनसिपल जो सर्विसेज सिस्टम है उसका और साथ साथ जो है हमारा डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका भी बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, कर्मचारियों से बात किया और उनके मनोबल एवं उत्साह वर्धन किया। तो जहां दो जगह गए थे माननीय जी पूरी तरह से संतुष्ट रहे और निश्चित रूप से उनके यहां पर इस प्रकार जो विजिट हुई है उससे भी नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उनका उत्साह वर्धन हुआ है और इसके लिए हम माननीय जी के आभारी हैं। हुआ है और इस जो यहाँ पर काम हुआ है कंपोस्ट खाद बनाने का और गोबर गैस प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको पूरे प्रदेश में इस प्रकार की योजना को हम लोग लागू करना चाहेंगे। अभी अभी क्या यहाँ पर गायों को ठीक से रखा जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि जो गायें हैं और जो हमारे नंदी देवता हैं उनको अलग अलग रख के उनको ठीक से व्यवस्थित किया जा रहा है और गोबर का उपयोग किस प्रकार हम अपने दैनिक उपयोग में ला सकते हैं उसको कंपोस्ट खाद बनाया है और एक प्लांट इन्होंने लगा रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। वाराणसी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए हैं और पूरे प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा लाभ मिल सकेगा और खासकर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको स्पीड का लाभ मिल सकेगा, बहुत देर तक किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों को मीडिया जगत को बहुत लाभ होने वाला है। मैं कह सकता हूँ कि ये संचार की क्रांति है। 2024 में हम उत्तर प्रदेश में 80 जैसी सीटें जीतेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जो नीतीश और राहुल गांधी कोई मतलब नहीं है, ये डिरेल्ड लोग हैं। आप गोरखनाथ मंदिर में नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की गई। कहा जाता है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। पूजा आराधना गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रातःकाल 4 से 6 बजे तक एवं सायंकाल में समस्त अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर के दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद् देवी भागवत का पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी जारी रहा। दोनों समय में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुष्ठान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुए। पावन शारदीय नवरात्र के छठवें दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के चरण पादुका का पूजन योगी कमलनाथ जी ने किया। आरती में संस्कृत विद्यापीठ के 151 छात्रों पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर योगी धर्मेन्द्रनाथ द्वारिका तिवारी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी डॉक्टर रोहित मिश्रा पुरुषोत्तम चौबे विनय गौतम नित्यानंद तिवारी शुभम मिश्र शशांक पांडे आदि उपस्थित रहे।
एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन कुशवाहा ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन कुशवाहा ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें और संचारी रोग नियंत्रित हो पाए। उन्होंने कहा, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं तो भी संचारी रोग नियंत्रित होगा। यह प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर लोगों को विभिन्न बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इंसेफ्लाइटिस सहित अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर उपजिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन कुशवाहा ने कहा, ये वाहन यहाँ से रवाना किया गया है। ये वाहन इस बात का संदेश देगा कि संचारी रोग नियंत्रण के लिए हर एक आदमी की भूमिका है, और हर एक आदमी जब जागरूक होगा तभी संचारी रोग नियंत्रित हो पाएगा। यहाँ तक कि अगर एक आदमी अपने शरीर पे तेल लगा लेता है तो भी संचारी रोग नियंत्रित होगा। यहाँ तक कि एक अपना मच्छरदानी लगा के सोता है तो भी संचारी रोग नियंत्रित होगा। अपने छत पे जो बर्तन है जिसमें पानियाँ इकट्ठा है उसको अगर गिरा देता है, जो कूलर है उसको साफ करता है, तो इस तरह से हर आदमी जब लगेगा तभी ये रोग नियंत्रित हो पाएगा। और इसमें हर एक आदमी की भूमिका निहित है, जो 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक चलेगा, और दस्तक अभियान 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें हर घर में आशाएँ दस्तक देंगी, संचारी रोग नियंत्रण के बारे में बताएंगी और JEES के बारे में भी डिटेल बताएंगे। भारतीय डाक विभाग द्वारा गोलघर स्थित प्रधान डाकघर पर गोरखपुर मंडल डाकघर के प्रभर अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डाकघर के कर्मचारियों ने ब्लड डोनेट किया तथा ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। जिसके संबंध में डाक विभाग मंडल के प्रभर अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि डाक विभाग स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छापूर्वक ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि खून की कमी से कई लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो इसलिए रक्तदान कैंप लगाया जाता है, जिससे कि लोगों की मृत्यु ना होने पाए। उन्होंने कहा कि इस शिविर में 10 लोगों ने रक्तदान किया और आगे भी लोगों की सेवा के लिए डाक विभाग हमेशा तत्पर रहेगा। इस अवसर पर डाक विभाग निरीक्षक CB सिंह, अकाउंटेंट अनुराग श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, अभिषेक कुमार, छोटेलाल गुप्ता, मोहन थापा सहित डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर मंडल डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा, मेडिकल चेकअप का ही लाए Thank you.
डाक विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसके तहत हम लोग दो कार्यक्रम संपन्न किए हैं। एक तो हमारा क्षय रोगों के उन्मूलन के दिशा में था, वो कल हम लोगों ने क्षय रोग के मरीजों को वितरण किया था, और आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है। तो हमारे जो स्टाफ हैं ये आज स्वेच्छापूर्वक ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? उद्देश्य सोशल काउज है। लोगों को खून की बहुत कमी के वजह से कई लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है, तो पर्पस है कि सभी को खून प्रॉपर उपलब्ध हो सके, जिससे कि खून के कमी के वजह से किसी लोगों का डेथ ना हो सके। अभी लोग 11-12 नंबर अभी हो रहा है, और ये संख्या अभी बढ़ते जाएगी। सभी लोग स्टाफ धीरे धीरे आ रहे हैं और ये ब्लड डोनेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर पहुंच ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जनपद सहित प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि व दशहरा की दी शुभकामना। सभी के सुख समृद्धि की कामना। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विजयदशमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर वाहन चोरों अनुराग निषाद व दीपू निषाद को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया निरीक्षण। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से महानगर के नागरिकों को यातायात नियम का पालन करने का दिया संदेश। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की रूट का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पूरे अमले के साथ किया निरीक्षण। कहा, शोभा यात्रा एवं जुलूस तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। साहबगंज से प्रतिबंधित प्लास्टिक का गांठ लेकर खलीलाबाद ले जा रहे युवक से 42 किलो अवैध पॉलीथीन को राप्ती नदी के पुल पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने किया जब्त। 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, रविवार को जनपद के दो धार्मिक स्थल बुढ़िया माता मंदिर व तरकुलही माता मंदिर पर चलाया जाएगा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने महिवा स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। कान्हा उपवन की व्यवस्था को बताया उत्तम। कहा, कान्हा उपवन के कंपोस्ट खाद तथा गोबर गैस प्लांट की तरह योजना को पूरे प्रदेश में करेंगे लागू। नवरात्रि के 6वें दिन गोरखनाथ मंदिर में मां कात्यायनी की गई पूजा आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद किया गया प्रसाद का वितरण। एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एएन कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन पूरे जनपद में घूमकर संचारी रोगों के प्रति लोगों को करेगा जागरूक। और भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डाक विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा पूर्वक किया ब्लड डोनेट। कहा, लोगों की सेवा के लिए डाक विभाग हमेशा रहा है तत्पर। अब मुझे इजाजत दीजिए,
नमस्कार।